ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिखा ने मुगलों तो दिल्ली जित के क्यों ठोकर मार दी सी, इस वीडियो में असीं सब कुछ जाणांगे। वीडियो का अखीर तक जरूर बने रहिओ। 18वीं सदी च बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हो जाती है। बाद सिखा ते बहुत जुल्म होए। फिर आउंदा है अबदाली सिखा की अद्धी कौम खत्म कर दिंदा है, पर सिख खत्म ना होए। फिर भी सिख अबदाली तो नहीं डरे, सिख मजबूत होना शुरू हो गए सी। सिखा ने 11 मिसल बना लिया सन। अबदाली नूं फिर डर पै गया सी, क्योंकि मिसल ने पंजाब के अलग अलग इलाकों में अपने हक जमाने शुरू कर दिते सी। जितते सिख पहुँच गए यमुना नगर। बाबा बघेल सिंह जी की मिसल ने अंबाला, करनाल, सहारनपुर जित लए सी, जो कि दिल्ली के अधीन पैंदे सन। सिखा ने दिल्ली 1735 ईस्वी तो लैके 1788 ईस्वी तक 15 वार जीती सी। बाबा बघेल सिंह जी ने 1744 ईस्वी विच पहला हमला दिल्ली से किया। दूजा हमला 1745 ईस्वी च लाल किला फतेह करन तो 9 साल पहला। हुण सिखा की अख सी लाल किले दे। यह ओह लाल किला है जिथे सिखा खिलाफ फरमान जारी होंदे रहे ने सदियां तो। पर मराठे भी दिल्ली ते कब्जा करना चाहुंदे सी। अंग्रेज भी हुण भारत विच पैर पसारन लग पए सी। उहनां दी अख भी लाल किले ते सी। बाबा बघेल सिंह अते सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया विच एक मीटिंग हुंदी है, जो यह मीटिंग 4 फरवरी 1783 ईस्वी नूं हुंदी है। घोड़ियां ते हाथियां नाल लद्दी फौज दिल्ली ते हमला करन लई तुर पैंदी है। सरहद तो चल के दिल्ली पहुँच जाते हैं। जस्सा सिंह रामगढ़िया भी अपनी फौज लैके दिल्ली पहुँच जाता है। उस वक्त दिल्ली का राजा शाह आलम दूजा सी। जदों उसनूं पता लगता है कि सिख लाल किले ते घेरा पाउण आ रहे हैं, तो वह सारे दरवाजे बंद कर दिंदा है। किले दीआं कंधां बहुत मोटिया मोटिया सन अते कंधां उपर सैनिक भी लगे सन, जिस कारण लाल किले के अंदर दाखिल होना इन्ना सौखा नहीं सी। बाबा बघेल सिंह जी ने अपनी फौज 3 हिस्सों में वंड दी। 5000 फौज मजनू के टिले ते रोकी गई। 5000 फौज दाणा मंडी विच। जिथे 30000 फौज रोकी सी, उस जगह नूं अज 30 हज़ारी नाम नाल जाणिया जांदा है। चुनौती यह सी कि अंदर किवें जाया जावे। बाबा बघेल सिंह जी ने सारी दिल्ली जीती होई सी, इस करके उन्होंने कमजोरी लभण लई कोई औखा काम नहीं सी। फिर एक खबरी कोल पुछया जाता है कि इस लाल किले के अंदर किवें जाया जाए। उसने दस्या कि यह कंध अंदरों खोखली है, बाहरों ही मजबूत दिस रही है। इस रस्ते राही तुसी इस लाल किले के अंदर आराम नाल जा सकते हो। फिर एक सिखा ने दरखत कट्टिया और उसनों अगों इन्ना तिखा कर लिया कि उसनों कंध विच मार के उस विच छेक कर दिती। कंध तोड़ के फिर सिख इस रस्ते राही अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसनों बाद च बंद नहीं किया जाता। फिर इसनों मोरी गेट नाम नाल जानिया जाण लग पिया सी। अज भी तुसी दिल्ली जाओगे तो यह गेट उथे देख सकते हो। सिख अंदर दाखिल हो जाते हैं। 11 मार्च 1783 नूं लाल किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दिल्ली के तख्त से सिखों का कब्जा हो जाता है। यह वही जगह है जिथे बैठ के गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद करने का फरमान जारी किया सी। यह वही तख्त है जिथे औरंगजेब बैठ के आनंदपुर साहब ते हमला करने लई फौज भेजदा सी। वही तख्त है जिस करके गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार विछड़ गया और बंदा सिंह बहादुर और 4 साल के पुत्र नूं शहीद किया गया। यह हंकारी तख्त सिखों के पैरों हेठ सी। तख्त हुण जित लिया गया। हुण गल यह चल रही सी कि इस जगह का राजा किसनों बनाया जाए। जस्सा सिंह आहलूवालिया का नाम आंदा है, पर जस्सा सिंह आहलूवालिया कहता है कि सानू इकल्ले इकल्ले नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने बादशाह बनाया है। यह तख्त सानू बादशाह नहीं बना सकता। यह भी इतिहास है जिस तख्त पिछे कई राजे महाराजा ने अपने ही परिवार के मैंबर मरवा दिते सी। अते सिखा ने दिल्ली तख्त जीत के उसनूं ठोकर मार दी। जदों जीत के वापस आ रहे सी तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कहा, यह तां एवें नहीं वापस जावांगे। एशिया का सब तो ताकतवर तख्त की सील पुट के ले आए। जो दरबार साहिब विच लगी है। यह सील अज भी पई है रामगढ़िया बुंगा दे विच, जिसनों अज भी देख सकते हाँ। दिल्ली विच गुरुद्वारों की उसारी करनी सौखी नहीं सी। जिथे श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की गई सी अते धाड़ का संस्कार किया गया सी, उस जगह का निशानदेही लई सियाणे बजुर्ग लभे गए जिन्हां ने सही ढंग नाल निशानदेही कराई। बाद च दिल्ली च 7 गुरु घरां की भी सेवा कराई गई। सीसगंज साहिब जिथे गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद किया गया। रकाबगंज साहिब जिथे लखी शाह वंजारे का घर हुंदा सी अते उसने घर नूं अग लगा दी गुरु जी के धाड़ नूं संस्कार करन लई। गुरुद्वारा मजनू का टिला जिथे गुरु नानक देव जी और गुरु हरगोबिंद साहब जी ठहरे सन। गुरुद्वारा बंगला साहिब जिथे गुरु हरकृष्ण साहब जी जयपुर के राजे के बंगले विच रुके अते कई रोगियों के दुख दूर किए। गुरुद्वारा मोती बाग साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी आके रुके सी। माता सुंदरी जी का गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे बनिया गुरुद्वारा बाला साहिब जिथे श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी माता सुंदरी जी अते उन्हां दे गोद लए बैठे साहिब सिंह अते माता साहिब कौर जी का अंतिम संस्कार किया गया। यह गुरु घरां की उसारी नूं 9 महीने लग गए सी। सिखां दे राज च आम लोग भी बहुत खुश रहंदे सी, चोर लुटेरे भी घट हो गए सी।